हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री गोविंद प्रभु की महती कृपा करुणा से हम आप सब परम पवित्र सच्चिदानंद स्वरूप रसमय ब्रजमंडल के आदि वृंदावन काम्यक वन के क्षेत्र में, जिसे वर्तमान में हम लोग कामवन कहते हैं, स्थित कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली प्रतिज्ञा वन, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी पाद ने अपने ब्रजभक्ति विलास नामक ग्रंथ में पौराणिक एवं संहिताओं के प्रमाणों को उद्धृत करते हुए यह स्पष्ट किया है कि यह सुरभि वन है। सुरभि माता, कामधेनु माता यहां भगवान का दर्शन करने आई है। इस वन में आने वाले मनुष्य की समस्त कामनाएं सहज पूरी हो जाती हैं। वेदों में गाय का महत्व अतुलनीय व श्रेष्ठतम है। गाय रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री, अदिति पुत्रों की बहन तथा अमृत का खजाना है। गायें हमारी भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति के प्रधान साधन हैं। सुरभि बने ऐसी परम पुनीत स्थली में, जहां गो माता की चरणरज बिछी हुई है, यज्ञ धूम से सुरभि महामंत्र के जप से एवं ब्राह्मणों के विधि पूर्वक चारों वेदों के पृथक पृथक मंत्रों के पाठ से, भगवन नाम संकीर्तन से, संतों की पावन सन्निधि से जहां का वातावरण अत्यंत दिव्याति दिव्य बना हुआ है। भारत में गाय को देवी का दर्जा प्राप्त है। प्राचीन भारत में गाय समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। सृष्टि के निर्माण में जो 32 मूल तत्व घटक के रूप में हैं, वो सारे के सारे गाय के शरीर में विद्यमान हैं। अतः गाय की परिक्रमा करना अर्थात पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करना है। भगवत प्रदत्त सामर्थ्य होने के बाद भी जो कुछ सामर्थ्य दी है भगवान ने दी है, भगवान के द्वारा दी गई सामर्थ्य प्राप्त होने के बाद भी हम उसका विनियोग गो माता की रक्षा में, गो माता की सेवा में नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है और हमारे पास जो कुछ है वह सब व्यर्थ है, किसी काम में आने वाला। गाय जो श्वास छोड़ती है वो वायु एंटीवायरस है। गाय द्वारा छोड़ी गई श्वास से सभी अदृश्य एवं हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं। शास्त्रों में मत है कि गोवंश जहाँ निर्भयतापूर्वक विराजता है, वहाँ के सभी प्रकार के भय, कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। ये निश्चित रूप से सही बात है। जिस गाय की श्वास प्रश्वास यानी श्वास में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का ही प्रवाह होता है, संसार में एकमात्र प्राणी गो माता है जिनके श्वास में मात्र और मात्र ऑक्सीजन प्रवाह होता है। हाल ही में एक प्रमाणिक शोध हुआ है जो कि अभी पूर्ण प्रमाणिकता की तरफ आगे बढ़ रहा है कि गाय के हाथ फेरने के बाद में जो मानव का ओज है या किसी प्राणी का जो ओज है या किसी क्षेत्र का ओज है, उसकी जो गुरुतत्व शक्ति और अन्य प्रकार की शक्तियां जो है, वो शक्तियां कम होती है। और गाय की उपस्थिति रखो 10 मिनट के बाद में, गाय का सानिध्य प्राप्त करो, उस गाय के ऊपर हाथ घुमाओ या गाय के साथ रहो, फिर उसका वापस ओज लो आप, तो उसका माप जो है कहीं बड़े घेरे में और कहीं व्यापक दृष्टि में प्रमाणित होता है। और आप विचार पूर्वक बताइए, भगवान ने जिन्हें सामर्थ्य दी है वे उदारता पूर्वक गो माता की सेवा में अर्थ का व्यय करने लग जाएं, और जिन्हें भगवान ने भौतिक सामर्थ्य नहीं दी है, केवल शरीर दिया है, वे शरीर से सेवा में लग जाएं, तो आप विचार कीजिए, एक भी गाय भारतवर्ष में भूखी प्यासी रहेगी? कचड़े के ढेर पर खड़ी दिखाई पड़ेगी? कहने में लज्जा भी लज्जित हो रही है। हमारे समाज के ही लोग जो अपने को हिंदू भी कहते हैं, भारतीय भी कहते हैं,
गैया की धार काढ़ी, दूध निकाला, उसको छोड़ दिया। हम निवेदन कर रहे हैं, यह भी एक भयंकर अक्षम्य गो अपराध है। गायों का संहार जितना हुआ है वो तो हुआ ही है, हो रहा है। गायों की जो अत्यंत दुर्लभ प्रजातियां थी, नस्ल, उन नस्लों का जो संहार हो रहा है वह एक बहुत बड़ा पाप इस धरती पर हो रहा है, नस्ल संहार का। लेकिन हम बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में होने वाला जो गोवंश है वह अपने अपने क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप वहां के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए भारतवर्ष की सभी जो बची खुची प्रजातियां हैं उन गायों की नस्लों का, प्रजातियों का संरक्षण होना चाहिए। भविष्य पुराण में लिखा गया है कि गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं का और रोम कूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र का वास है। मनुष्य का स्तर इतना नीचे क्यों गिरा? इसकी मनुष्यता कहां चली गई? इसका मूल कारण है, सारे प्रकृति मंडल में, सारे वातावरण में गाय की चीत्कार, गोमाता का करुण क्रंदन, गोवध के परमाणु व्याप्त हो रहे हैं और वह श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे भीतर जाकर हमारी वृत्ति को मलिन कर रहे हैं। यदि हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके प्रत्यक्ष रूप से गो सेवा नहीं करते हैं तो हम भी भगवान के दरबार में गोवध में सम्मिलित माने जाएंगे, गोवध का पाप हमको लगेगा। देखिए, गाय का मल है उसकी महिमा अपरंपार है। गाय के मल में लक्ष्मी का वास बताया गया है। लक्ष्मी का मतलब होता है आत्मनिर्भरता या संपन्नता। संपन्नता प्रदान करने में गाय का गोबर ही प्रमुख है, क्योंकि गाय के गोबर से ही कृषि शुरू होती है और कृषि और ऋषि परंपरा शुरू होती है। और गाय के गोबर का आज के युगानुरूप भी व्याख्या की जावे तो रूस में और हमारे भोपाल कांड में, गैस कांड के अंदर यह प्रमाणित हो चुका है कि गाय का गोबर एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो परमाणु विकिरण को भी रोकता है, परमाणु विकिरण नहीं होने देता। तो जो पदार्थ परमाणु विकिरण को रोकता है, ये आज का विज्ञान मान रहा है, उससे प्राप्त कृषि और कृषि या भोज्य पदार्थ जो है वो कितने उत्तम होते होंगे, कितने फलीभूत होते होंगे, उसकी हम कल्पना करें तो आनंद सा आता है, शांति सी आती है। और वही वो कारण है जिस कारण से गाय का गोबर है उसमें लक्ष्मी वास करती है और गोमूत्र में गंगा वास करता है। गाय के कूबड़ यानी कुकुद में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो सूर्य के गुणों को धारण करती है। सभी नक्षत्रों की ये रिसीवर है। यही कारण है कि गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी में औषधीय गुण होते हैं। गाय के दूध घी में पीलापन रंग का राज है कि उसमें सोने की भी आंशिक मात्रा पाई जाती है। करीब 1600 किलोलीटर दूध में 10 ग्राम सोना पाया जाता है। 2016 में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक गो कृपा महोत्सव श्री मनोरमा गोलोक नंदगांव में होने जा रहा है। उस गोकृपा महोत्सव की परिणति संभवतः भारतवर्ष का एक गोभक्त गोसेवक मानता है कि पूर्ण गोहत्या प्रतिबंध के रूप में सामने आवे। और इसके पीछे कारण भी है, विश्वास और आशा के बल के मजबूत कारण। गोर्षी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की 2.5 दशक से गोसेवा गोरक्षा के क्षेत्र में तपस्यारत रहकर कार्य परिणति तथा वर्तमान में पिछले 8 माह और अगले 8 माह तक गायत्री पुरुषन के महानुष्ठान में न सिर्फ गोर्षी स्वामी जी महाराज अपितु दर्जनों अन्य विशिष्ट साधक वानप्रस्थी संत वृंद बैठे हैं। ये अनुष्ठान शिव पोषित इस हेतु के लिए हैं कि शासन और समाज के सभी घटक और सभी वर्ग गोत्या प्रतिबंध के बारे में पिछले 7 दशकों से इस स्वतंत्र भारत के प्रयासों में जो प्रयास चल रहे हैं उन प्रयासों के सार के रूप में आज अनुकूलता का लाभ लें और इस
कलंक से इस भारत भूमि को मुक्त करवाया जाए।